दोस्तों नमस्कार। मेरा ये वीडियो हथकड़ी लगाने के ऊपर है और इसकी सूचना मैंने पहले ही दे दी थी। हालांकि थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो मित्रों, सवाल ये पैदा होता है कि क्या किसी को हथकड़ी लगाई जा सकती है। आपने अक्सर देखा होगा फिल्मों में कि पुलिस ऑफिसर कोई आता है और किसी क्रिमिनल से या हीरो से कहता है कि यू आर अंडर अरेस्ट, और यू करके हथकड़ी दिखा देता है। ठीक है, इसके अलावा आपने कोर्ट कचहरी में भी कई बार देखा होगा कि जो क्रिमिनल्स होते हैं या जिन पे आरोप होता है उनको हथकड़ी लगी हुई है, ठीक है, और पुलिस हथकड़ी लगा के ले जाती है। मित्रों एक चीज़ ध्यान रखें, हथकड़ी लगाना कहीं से भी कानूनी प्रक्रिया में नहीं आता। हथकड़ी लगाना गैरकानूनी है। संविधान के आर्टिकल 21, ठीक है, अनुच्छेद 21, जिसका नाम है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके मुताबिक किसी भी व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, ठीक है, क्योंकि ये उसकी आज़ादी का उल्लंघन है। मित्रों हथकड़ी कब लगाई जा सकती है? दोस्तों हथकड़ी तब लगाई जा सकती है जब किसी व्यक्ति के भागने की आशंका हो, या ऐसी खबर मिले, या ऐसा वो व्यक्ति करने की कोशिश कर रहा हो या कर चुका हो। ऐसी परिस्थिति में हथकड़ी लगाई जा सकती है, किंतु इसके लिए जुडिशरी से परमिशन लेना अनिवार्य है, और ये साबित करना भी पुलिस के लिए अनिवार्य है कि जिस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया हुआ है वो भाग सकता है, इसलिए उसको हथकड़ी लगाई जाए। ठीक है, अगर उसको हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी तो वो भाग जाएगा, उसको लाने ले जाने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए न्यायालय से ये दरखास्त है कि हमें उसे हथकड़ी लगाने की परमिशन दी जाए, ठीक है। अन्यथा मित्रों किसी भी कंडीशन में हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। दूसरी बात, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उनके यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 12 में साफ साफ कहा गया है कि पूरी दुनिया में किसी भी क्रिमिनल को या किसी भी अपराध आरोपी को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को भारत सरकार ने भी साइन किया हुआ है, अतः भारत सरकार भी बाध्य है संयुक्त राष्ट्र संघ के कानून को मानने के लिए, ठीक। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हैं, जिसमें नीरज मल्होत्रा बनाम दिल्ली स्टेट का जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी आरोपी को या अपराधी को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। इस तरीके से और भी सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट दिए हुए हैं। तो दोस्तों हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी ने हथकड़ी लगाई है तो इसके लिए क्या किया जाए। तो मित्रों एक मैं आपको बात बता दूं, अगर पुलिस ऑफिसर हथकड़ी लगा के किसी आरोपी को पेश कर रहा है उसका वीडियो बना लीजिए, फोटो खींच लीजिए, इवन कोर्ट के अंदर भी अगर वो उसको ले जा रहा है तो जो कोर्ट में मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि किसी को भी हथकड़ी में कोर्ट के अंदर ना बुलाया जाए। हमारे जो निचली अदालत के मजिस्ट्रेट या सेशन जज होते हैं ये इन चीज़ों को लेकर जागरूक नहीं रहते हैं मित्रों, ठीक है। एक और चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि महिला अपराधियों को कभी हथकड़ी लगा के कोर्ट में नहीं लाया जाता, तो ये एक लैंगिक भेदभाव है मित्रों। इसके अलावा कोई अमीर इंसान है उसको हथकड़ी लगाकर नहीं लाया जाता, ठीक है, उसको अलग से लेके आते हैं। बाकी आप एक गरीब इंसान हैं और आप एक पुरुष हैं, आपकी समस्या ये है, तो आपको जानवर की तरह एक बड़ी गाड़ी होती है, वैन होती है बहुत बड़ी, उसके अंदर हथकड़ी लगा के पुलिस घसीटते हुए आपको पेश करती है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे इंडिया में कानून जो है वो सबके लिए समान नहीं है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो अलग अलग जगह पर जाति लिंग स्टेटस के नाम पे कानून चेंज होता रहता है। हथकड़ी सिर्फ एक आम आदमी को लगाई जाती है मित्र, जो गरीब रहता है, या गरीब ना भी हो लेकिन वो एक आम आदमी है, एक खास आदमी को हथकड़ी नहीं लगाई जाती, किसी महिला को नहीं लगाई जाती। कभी भी हथकड़ी लगाई जाती है आप तुरंत उसका फोटो खींचे, वीडियो बनाए, और तुरंत जो भी उसके लिए जिम्मेदार ऑफिसर है जिसकी कस्टडी में आप हैं उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। कार्रवाई करने के लिए आपको हाई कोर्ट में पिटीशन लगानी पड़ेगी, या आप मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग को भी लिख सकते हैं और कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। कहीं पर भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत कीजिए, ठीक है। कोई भी आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है इमीडिएटली एक्शन लीजिए। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे ये सब चलता रहेगा। हम किसी गलत चीज़ का विरोध नहीं करते हैं, यही कारण है कि वो गलत चीज़ समाज में हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, ठीक। तो इन चीज़ों का विरोध जरूर कीजिए। तो मित्रों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा।
लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।